विधायक सरवन सिंह धुन की पुलिस से नोकझोंक, लालजीत सिंह बुल्लर के नामांकन पत्र के दौरान बवाल, गेट पर रोकने पर हुई बहस। भारतीय किसान यूनियन का फूटा गुस्सा, इमिग्रेशन व्यापारी पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप, एक युवक को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी, किसानों ने व्यापारियों पर बरसाई लाठियां। गुरदासपुर में दो पक्षों में मारपीट, नमस्कार, पंजाब टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। खबरों की शुरुआत करेंगे विस्तार में, सबसे पहले बात करेंगे चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से खबर सामने आ रही है जहां पर फरीदकोट हलके में आम आदमी पार्टी और मजबूत होती दिख रही है, जिससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि राजा वडिंग के रिश्तेदार अर्श सच्चर साथियों समेत आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिन्हें सीएम भगवंत मान ने खुद सदस्यता दिलाई है। तो चंडीगढ़ की ये तस्वीरें जहां पर आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ता हुआ दिख रहा है, कुछ लोग शामिल हुए हैं जिसको मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद शामिल कराया है। और भगवंत मान सरकार का एक और वीडियो रिलीज हुआ है, जिसके जरिए पहले की सरकारों के कामों को और भी अभी भी सरकार की उपलब्धियों को दिखाया गया है। ये पंजाब सरकार का प्रचार वीडियो है। तो पंजाब की मान सरकार का एक वीडियो रिलीज हुआ है, ये वीडियो जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, दरअसल ये प्रचार वीडियो बताया जा रहा है, जिसके जरिए पहले की सरकारों के कामों को अभी की सरकार की उपलब्धियों को दिखाया गया है, यानी पुराने समय के कामों की तुलना अभी की सरकार से की गई है और सरकार की उपलब्धियों को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। दरअसल इसे कहा जा सकता है कि पंजाब सरकार का एक तरीके से प्रचार वीडियो है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो ये रिलीज हुआ है जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसमें पार्टियों के चिन्ह के साथ उनके कामों को दिखाया जा रहा है और अभी की सरकार की उपलब्धियों को बताया जा रहा है। और आनंदपुर साहिब लोकसभा हलके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष शर्मा ने रूपनगर में अपना नामांकन पत्र भर दिया है। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और अन्य बीजेपी के नेता मौजूद रहे। और फरीदकोट लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार करमजीत अनमोल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसके साथ ही उनका रोड शो कोटकपुरा से शुरू हुआ और फरीदकोट में समाप्त हुआ, जिसमें आपको बता दें कि अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल, अभिनेता बिन्नू ढिल्लो, मलिकीत रौनक के अलावा 9 निर्वाचन क्षेत्रों के विधायक मौजूद रहे और उसके बाद से उनके बेटे करमजीत अनमोल, अभिनेता बिन्नू ढिल्लो और फरीदकोट के विधायक सेखो भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर करमजीत अनमोल ने कहा कि उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और उन्हें लोगों का पूरा पूरा समर्थन मिल रहा है। साथ ही इस मौके पर अभिनेता बिन्नू ढिल्लो ने कहा कि करमजीत अनमोल के पक्ष में वे आए हैं और आम आदमी पार्टी को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। ਹਾਂਜੀ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਅੱਜ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ 8 ਦੇ 8 ਐਮਐਲਏ ਔਰ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੋ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਮਲਕੀਤ ਰੌਣ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੀਆਰ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਪੀਆਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਬੀਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਬਲਕਰਨ ਰਾਜ ਤਿਵਾੜੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਕਲਾਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਟਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਜਿਆ ਗਿਆ
ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। और खडूर साहिब की लालजीत सिंह भुल्लर के नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान खेमकरण से विधायक सरवन सिंह धुन की पुलिस ने तीखी नोकझोंक हो गई। बताया जा रहा है कि उन्हें पुलिस ने गेट पर रोका था, जिसके चलते ये बहस हुई है। आज मेरे वीर भुल्लर साहब ने पेपर दाखिल किए, आज बड़ा संगतों का भारी इकट्ठ, वख-वख हलकियां दे विचों पूरे जोशो खरोश के नाल अज साडे भरा नाल आए आ, भुल्लर साहब के कागज़ भरे आ। अज दे जिहड़ा ये कट भीर घत गया उन्हें गल साबित करती है कि भुल्लर साहब की जित पक्की है। कई बार मैनू भी मन च आउंदा कि जिहड़ा एक MLA हुंदा जी, MLA दा जां तां इन्हां नूं पढ़ाया नहीं जांदा जां सिखाया नहीं जांदा। एक MLA दा प्रोटोकॉल मुताबक चीफ सैकटरी ते DGP दे बराबर दा हुंदा वा, मेरे ख्याल उदों भी उपर दा। ते जे इत्थे कोई इन्हां दा उपर अफसर आ जे उन्हूं तां सलूट मारी जांदे आ। और वहीं लोकतंत्र के महापर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। पंजाब में 1 जून को वोटिंग होगी, जिसको लेकर के पंजाब में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए प्रशासन भी तैयार है। वहीं वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लोकल NGO भी जागरूकता कैंप लगा रही है। और इसी कड़ी में देश की CRO की मोगा महिला विंग की ओर से पंजाब महिला विंग प्रधान की अगुवाई में स्कूल, कॉलेजों और आउटलेट सेंटरों में जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और इस बार मोगा में 70% वोटिंग का टारगेट पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। अज बहुत ही वधिया इवेंट होया CRO वालों। अज सानू बहुत ही वधिया गाइडेंस मिली, क्योंकि असी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। सानू मतलब गाइडेंस चाहिए है कि केड़ा पॉलिटिशियन साडे वास्ते वधिया, आपां किवें चूज करना है अपना है ना लीडर अगले 5 सालां वास्ते। सो ये इवेंट बहुत ही वधिया सी, सानू बहुत ही कुछ सीखन नू मिलिया, ते नाले जो भी चीज़ां उन्होंने कहियां उन्होंने है ना इनिशिएटिव जिहड़े गवर्नमेंट वालों भी हैगे आ कि फर्स्ट टाइम वोटर्स नू सरप्राइज मिलेगा उन्होंने वोटिंग वास्ते। सो ये बहुत ही वधिया इवेंट सी CRO वालों, तो सानू बहुत ही बेनीफिट होया, तो असं जरूर जावांगे वोट करन वास्ते। नमस्कार जी, मैं ज्योति सूद, कंज्यूमर राइट्स ऑर्गनाइजेशन दे विमेन विंग दी हेड। अज मैं ये थोनू दसना चाह रही हाँ कि साडा विमेन विंग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव वे नाल लोगों कंज्यूमरस नू अवेयर कर रहा है कि तुसी अपना वोटिंग का इस्तेमाल करो। जिहड़ी अपने पंजाब दे विच वोटां दा उत्सव शुरू होया वा, वोटां पैन वाली है 1 जून नू, एदे लई साडा कंज्यूमर राइट्स हर रोज़ नित नवे छोटे छोटे इंस्पीरेशनल एनकरेजिंग इवेंट्स कर रहा हैगा, जिहदे विच असी अज स्पैशली मदरस डे दे इवेंट मौके ते असी मदरस नू, लेडीज़ नू, बच्चियां नू इनवॉल्व करके उन्होंने इंस्पायर किया कि वो अपना वोट जरूर कास्ट करन। तो 1 जून नू जिहड़ा साडा वोटां दा त्यौहार है, सानू रल मिल के वो मनाना चाहिए। और अज जिहड़ा असी इवेंट किया CRO वालों, कोली स्टार इमेज स्कूल ने इनिशिएटिव लिता कि असी वोटां बारे जिहड़े साडे कोल स्टूडेंट्स हैगे उन्होंने अवेयर करिए, क्योंकि 18 साल तो उपर जिहड़े बच्चे ने वो वोट जिहड़े हैगे अपने पा सकदे आ। और काफ़ी बच्चे ऐसे ने जिहड़े पहली बार वोट पाउण लगे आ, तो उन्हां सारिआं नूं असी प्रोत्साहित किया, मोटीवेट किया कि अपने वोट का अधिकार जिहड़ा है जरूर इस्तेमाल करो, क्योंकि इस साल जिहड़ा है ना बड़ा अनोखा होने वाला है। अनोखा इसलिए होने वाला है क्योंकि जिहड़ी सरकार ने बहुत इनिशिएटिव लिते है इस बार वोटां नूं त्यौहार वाकू मनाने, फेस्टिवल ऑफ वोटिंग जिहड़ा हैगा। और पिछले कुछ दिनों से भारतीय किसान यूनियन डकौंदा की तरफ से इमिग्रेशन व्यापारी के खिलाफ संघर्ष किया जा रहा है। आपको बता दें कि किसान यूनियन इमिग्रेशन व्यापारी पर एक युवक को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप लगा रहे हैं, जिसके चलते किसानों ने व्यापारियों पर लाठियां बरसाई हैं। वहीं माहौल तनावपूर्ण देखते हुए भारी पुलिस बल ने माहौल को शांत कराया, जिसके बाद से भारतीय किसान यूनियन डकौंदा ने व्यापारी की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन किया है, जिसके विरोध में व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और किसानों की तरह ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रशासन तो अं मांग करते हैं भी जो कल उन्होंने लाठीचार्ज किया है भी वो
उन्हां ते कानूनी कार्रवाई की जाए उस करके बड़ा कट करके कल का असी बरनाला बंद किया है ते उहदे विच असी प्रशासन नूं मंग करदे हां भी उन्हां दे जिवें उन्हां ने इमीग्रेशन सेंटर नूं जिंदे लाए उहदे विच वीडियो दित्ती है कृष्ण कुमार जिहड़ा इंस्पैक्टर रिटायर है उन्हें मतलब कि लाए ने उहदी वीडियो है उहदे परचा दिता जाए ते जिहड़े कोई कल उन्हां नूं लाठीचार्ज किया उहदा किया जाए जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है प्रशासन नूं मेरी यही बेनती है कि उह कीती जाए कोई भी नजायज ढंग नाल आउंदा है उहनूं इस गल तों रोकिया जाए। और बठिंडा के अमरीक सिंह रोड पर प्राइवेट कॉलेज के हॉस्टल में एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। वहीं घटना का पता चलते ही पुलिस प्रशासन और कॉलेज मैनेजमेंट मौके पर पहुंचा। बताया जा रहा है कि मृतक लड़की के पिता पुलिस में थानेदार हैं और लुधियाना में तैनात हैं। वहीं आपको बता दें कि अभी तक खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले में छानबीन में जुट गई है। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਹੋਸਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਭੋਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਮਹੀਸ਼ੂਰੀ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਬਾਏ ਤਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ SHO ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ चंडीगढ़ से लगे मोहाली के खरड़ में हरियाणा के युवक की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि युवक की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और यह मामला लिव इन रिलेशनशिप और प्रेम संबंधों से जुड़ा हुआ है जिसमें तुषार की हत्या कर दी गई है। और जानकारी के मुताबिक हरियाणा के जींद का रहने वाला तुषार खरड़ में दर्पण सिटी में किराए में रहता था और यहां पर जींद की युवती तमन्ना उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी लेकिन तमन्ना की दोस्ती अमन के साथ भी थी। जांच में सामने आया कि सिर पर सिलेंडर से वार कर तमन्ना और तुषार के साथ ही अमन ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। दर्पण सिटी च एक तुषार नाम के लड़के का जिहड़ा मर्डर होया सीगा ते उस दे संबंध च असी थाना सिटी खरड़ विखे मुकदमा दर्ज करके ते तफ्तीश आरंभी सी। उहदे विच टोटल दो दोषी ने जी बाय नेम FIR आ ते दोनों दोषी जिहड़े ने असी गिरफ्तार कर ले ने। देखो जी दोषियों की मुढ़ली पुछगिछ तो यही गल दो चीज़ा सामने आई ने। एक रात में ये इकट्ठे सीगे तीनों जाने दोनों लड़के ते एक लड़की तीनों इकट्ठे सीगे ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਿਮ ਤੁਸ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਅਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਬਹਿਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਅਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸ਼ਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। और तरनतारन के गांव भैणी मठुआ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक अवैध संबंधों के चलते बहनों के इकलौते भाई की हत्या कर दी गई। वहीं मृतक की पहचान लवप्रीत सिंह उम्र 20 साल गांव भैणी मठुआ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक के गांव के रहने वाले गुरजंट सिंह को शक था कि लवप्रीत सिंह के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है और जिसके चलते गुरजंट सिंह ने गुस्से में आकर घर के बाहर लवप्रीत सिंह के सिर पर 9 बार ईंटें मारकर उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर के कार्रवाई शुरू कर दी है। ये मुंडा लापरी थी ते ये ना कर दी ओदी ना शक च उहने आ गए ते घर आ गए ते उहनूं ईंटां मार दित्तियां गुरजंट सिंह ने ते इहते सख्त तों सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਲੜਕਾ, ਪੁੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭੈਣੀ ਮਟੂਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਤ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਸੀਗਾ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆਪਣੇ ਰੁਸ ਕੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ
उस तो पहला ये आपस दोस्त मित्र ही सीगे, बट ये वाइफ नू लैके इन्हों का डिस्प्यूट हो गया सीगा, जो इन्हें कल मौका पा के इट नाल वार करके उसका मर्डर करता। और फिरोजपुर में 14 साल के नाबालिग लड़के की हत्या हो जाने का मामला सामने आया है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इस मुताबिक इस बात का पता चला है कि हत्या पड़ोस के रहने वाले एक शख्स ने की है, जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। वहीं मृतक बच्चे के माता पिता ने बताया है कि उनके लड़के का नाम सहजदीप था, जिसकी उम्र 14 साल थी और चार बहनों का इकलौता वो भाई था। घर के हालात नाजुक होने के कारण वे पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था और जब वे काम से वापस आया तो उसके पड़ोसी ने उसे मारकर गली में फेंक दिया, जिसके बाद से उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं परिवार की मांग है कि उन्हें न्याय दिया जाए और हत्यारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फिर उस टाइम मुंडा साह है गए सीगे? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ? ਮੈਡੀਕਲ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੈ ਗਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਤ ਖਤਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੜਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਧੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਾਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਅੱਛਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਆਈ ਤੜਪਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੜਪਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ? ਆਏ ਜਸਪਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੀ? ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। और अब खबर गुरदासपुर से है, जहां दो पक्षों में झड़प हो गई। आपको बता दें कि दोनों पक्षों के बेटे विदेश में रहते हैं और दोनों के बीच पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके कारण यहां दोनों पक्ष आपस में झगड़े हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक गुरदासपुर के सिविल अस्पताल में एक पक्ष इलाज के लिए पहुंचा, जिसके बाद से दूसरे पक्ष ने अस्पताल में घुसकर तेज धार हथियारों से उन पर हमला कर दिया, जिसमें कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। अपने चाचा जी का मुंडा बाहर ही अमेरिका, तो उदे तो बाद एक मुंडा गया ही पिंड खोखरा का, तो चाचा जी के मुंडे ने ना नवा गया ही, इस करके थोड़ी वो ना पैसे की हेल्प की थी। तो उन्हें बाद जदों थोड़ा चिर उन्हू मतलब कि जॉब मिल गई, फिर वो चाचा जी के मुंडे ने उसको पैसे मंगे, तो बाद उन्होंने पैसे देने तो मतलब कि थोड़ा टाल मटोला किया, तो इस करके ना थोड़ा गुस्से च मतलब कि एक दूजे गाली गलोच हो बहर, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਉਹਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ, ਆਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਮੂੜੀ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਖੋਖਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਦਮੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਮੂੜੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਖਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪਰ ਦੋ ਪਕਸ਼ ਮੇਂ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਪਕਸ਼ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਬ ਇਲਾਜ ਕਰਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾ ਤੋ ਦੂਸਰਾ ਪਕਸ਼ अस्पताल में पहुंचकर ही उस पक्ष के पर हमला करने लगा। तेज धार हथियारों से हमला हुआ, जिसके बाद से आप देख सकते हैं किस तरीके से लहूलुहान हालत में एक पक्ष को घायल कर दिया गया और उस दौरान के झड़प की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसके बाद से पुलिस को बुलाया गया, मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन ये बेहद ही शर्मनाक है और बेहद ही खौफनाक तस्वीरें हैं जो गुरदासपुर के एक अस्पताल से सामने आई हैं।
तो पंजाब टाइम्स देख रहे थे आप, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।